हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम Realme 10 Pro Plus के कुछ बैड क्वालिटी और कमियों के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में कोई भी आपको नहीं बताएगा। हाँ, ये कर लो पहले। यदि पहले बैड क्वालिटी अपनी कमी की बात की जाए तो इसमें ब्लॉट बेयर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलो, ब्लॉट बेयर दिया तो दिया, इसे तो हम झेल जाएंगे, लेकिन इसमें एक नया फीचर दिया है जिसका नाम है हॉट ऐप्स। इनमें इतने बेकार इतने भद्दे ऐप आपको सजेस्ट करता है जिसका कोई हद नहीं है। चलिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। इसमें यदि आप सर्च भी करेंगे ना, तो इसमें जो रिकमेंडेशन भी देता है ना, वो भी बहुत गंदे देता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं। यदि आप इसे हटाना चाहते हैं, इसके नोटिफिकेशन भी बंद करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। चलिए करके बताते हैं। ये देखिए, इसके लिए आपका ऐप ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद इसके सेटिंग में जाना पड़ेगा। इसके सेटिंग में जाने के बाद इसमें नोटिफिकेशन ऑफ करना पड़ेगा। ये देखिए, यदि आप प्रो यूज़र है तो इस सेटिंग को आसानी से बंद कर पाएंगे, इसकी नोटिफिकेशन को बंद कर पाएंगे, लेकिन आप नॉर्मल यूज़र हैं तो इसे बंद करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप कर पाए तो ठीक है, वरना आपको इस ऐप को झेलना पड़ सकता है। और जब झेलेंगे तो आपके मन में एक ही ख्याल आएगा कि मैं थूकता हूँ तेरी सूरत। निष्कमी की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में आपको हीटिंग की इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा आप मल्टीटास्किंग कर लेंगे या फिर थोड़ा सा भी आप गेम खेल लेते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इस स्मार्टफोन का यूज़ करते समय आप एक ही बात फील करेंगे कि नेक्स्ट कमी की बात की जाए तो इसमें आपको डेडिकेटेड मेमोरी का स्लॉट नहीं दिया है। साथ ही साथ इसमें आपको 3.5 mm ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं दिया है। यदि आप ये स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो इन फीचर को आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो आपके मन में एक ही ख्याल आएगा कि यदि निश कमी की बात की जाए तो इसका जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट का बनाया गया है। साथ ही साथ इसका जो फ्रेम है वो भी पॉलीकार्बोनेट का बनाया गया है, मेटल या फिर ग्लास का यूज नहीं किया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो प्रोटेक्शन दिया गया है वो भी बताया नहीं गया है, यानी कि इस स्मार्टफोन को यूज करते समय आपको थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना यह स्मार्टफोन गलती से आपके हाथों से गिर गया तब तो आपका यह स्मार्टफोन खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ये थे इसकी कुछ बैड क्वालिटी और कमियां। अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।